दोस्तों याद रखें ऑफ़ पेज एस सी ओ इज़ ऑल अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ आवर वेबसाइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब हमारी वेबसाइट के बारे में जहाँ कहीं भी किसी भी अच्छे अल्फाज़ में बात होगी तो वो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा है और हमारी वेबसाइट की ओवरऑल हेल्थ uh, के लिए एस सी ओ के लिए और रैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है सो so, जब ऑफ़ पेज एस सी ओ की बात होती है जिसमें हमने ऑन पेज एस सी ओ कर ली हमने कॉन्टेंट ऐड कर लिया हमने मेटा टाइटल सेट कर लिए हमने हर तरह से अपनी वेबसाइट को बेहतरीन कर लिया और उसकी यू आई यूएक्स जितना कुछ हमने आज तक पढ़ा है वो हमने अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लिया अब बात आएगी ऑफ पेज एसो के ऑफ पेज एसो क्या होती है एक्चुअली मैं दोबारा से आपको याद दिया नहीं करवा दू कि कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं एग्जैक्टली exactly अपनी वेबसाइट पर नहीं बल्कि ऑफ द वेबसाइट लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पर पड़ता है हमारी वेबसाइट की ओवरऑल एस की हेल्थ पे उसकी रैंकिंग पे पड़ता है तो वो ऑफ पेज एस कहलाती है अच्छा ऑफ पेज एस के बारे में एक बहुत सारी मिथ्स मौजूद हैं मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको कुछ मेथड्स शेयर किए थे कि ऑफ पेज एस करना कैसे है वेज़ क्या क्या हैं और उनमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको वार्न भी किया था तो इस उन मिथ्स में एक ये भी है कि ऑफ़ पेज एस स्टार्ट कब करनी चाहिए कुछ कहते हैं कि आपको जूँ कॉन्टेंट ऐड करें तो ऑफ पेज एस स्टार्ट कर दें आपकी लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर दें या अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी आ, बढ़ाना स्टार्ट कर दें ऑन इंटरनेट मेरी पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि जो ही आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो तब आप लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज एसो स्टार्ट करें आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जो गूगल से जो ट्रैफिक आ रही है सर्च ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए अब ये कुछ नंबर से मुराद है कि कितने नंबर हो तो वो दस भी हो सकते हैं बीस भी हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की जो नीच है या जो आ, जो ओवरऑल उसकी ट्रैफिक है वो कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खैर थोड़ी बहुत भी आ, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए तो वो एक राइट टाइम होता है कि आप अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसियो स्टार्ट कर सकते हैं तो ऑफ पेज एसियो स्टार्ट कहां से करनी है सबसे पहले अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग के बारे में सोचें कि लोग आपकी वेबसाइट को जानना स्टार्ट करें कि ये वेबसाइट इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है और इस वेबसाइट को हमें विजिट करना चाहिए तो सबसे पहले ब्रांडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं सोशल सिग्नल से सोशल सिग्नल्स क्या हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक जिन भी सोशल साइट्स पर शेयर होता है चाहे वो फेसबुक पे शेयर हो रहा है चाहे ट्विटर पर शेयर हो रहा है या इवन रेडिट पे शेयर हो रहा है तो ये शेयर्स सोशल सिग्नल्स कहलाएंगे एक लिंक आपने अपने पेज पर फेसबुक पेज पर शेयर किया और वो वो पोस्ट जो आपने शेयर की वो मल्टीपल टाइम्स आगे मज़ीद शेयर होती गई री शेयर होती गई तो जितनी दफ़ा वो पोस्ट रीशेयर होगी आपके सोशल सिग्नल्स उतने ही स्ट्रॉग या उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे अगेन इसमें यह याद रखना है कि जिस प्रोफाइल पर या जिस पेज पर आपकी पोस्ट शेयर हो रही है वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो वो यूआरएल लॉगिन ना करना पड़े उस पेज को एक्सेस करने के लिए सो so, पब्लिकली जब विजिबल होगा तो सर्च इंजन उसको क्रॉल कर सकेंगे और एक्चुअली आपकी वेबसाइट के बारे में जान सकेंगे कि ये वेबसाइट सोशल साइट्स पर भी काफ़ी पॉपुलर है और वहाँ पर इसके बारे में शेयरिंग हो रही है इसके बारे में बात हो रही है और उन पोस्ट पर एंगेजमेंट जारी है इसी तरह अगर आप रेडिट की बात करते हैं तो रेडिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोर्स है एक बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रैफिक का तो जहाँ पे हमने सोशल सिग्नल्स की नीयत से रेडिट पर शेयरिंग करनी है अपनी वेबसाइट को शेयर करना है वहीं पे अगर हम क्वालिटी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस वहाँ पे शेयर करेंगे तो ये एक बहुत आपकी एस के लिए भी बहुत अच्छा होगा न सिर्फ एस के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि आपको क्वालिटी ट्रैफिक भी मिलेगी और अल्टीमेटली जो आपका एंड रिजल्ट है इन आवर केस एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के थ्रू एफिलिएट की जो सेल्स हैं वो बढ़ें तो रेडिट की ट्रैफिक के अंदर इतनी जान होती है कि वो आपकी एफिलिएट की जो सेल्स हैं उनको भी बढ़ा सके इसी तरह अगर हम पिन की बात करें तो पिन एक बहुत बड़ा एक और बहुत बड़ा सोर्स है ट्रैफिक का और क्वालिटी ट्रैफिक का अगर वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को शेयर करते हैं बोर्ड बनाते हैं ये बात याद रखनी है कि जस्ट शेयर कर देना या जस्ट एक फेंक देना या सर से उतार देना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता अगर हम फेसबुक पोस्ट की बात करें तो जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी फेसबुक पोस्ट पर शेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर sure करें कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी दें उसकी कैप्शन भी दें और कैप्शन आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट होनी चाहिए इसी तरह अगर आप रेडिट पे कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उसकी रीज़न हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग योर सोशल शेयर आप शेयर मत करें बल्कि वहां पे रीज़न बने रीज़न कैसे बनेगी आप किसी सब रेडिट पे गए आपने टॉपिक देखा कि इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है और वो टॉपिक मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है अब हमने अपनी वेबसाइट पे भी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपनी वेबसाइट को वहां पे एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स एज अ नॉलेज सोर्स कोट कर सकें तो आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे कोट करेंगे जिससे ना सिर्फ आपकी सर्च इंजन विजिबिलिटी बढ़ेगी बल्कि आपको ट्रैफिक भी मिलेगी सो ओवरऑल लर्निंग ये है कि हमने अपनी वेबसाइट की सोशल सिग्नल्स बढ़ाने हैं और उनमें क्वालिटी का भी ख्याल रखना है जस्ट शेयर नहीं करते जाना बल्कि प्रॉपर कैप्शन प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर टॉपिक के साथ हमने अपनी वेबसाइट को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है जिससे हमारे सोशल शेयर्स बढ़ेंगे अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि सोशल शेयर्स कितने हो चुके हैं मेरी वेबसाइट के तो आप ये मैं कुछ लिस्ट कर रहा हूँ वेबसाइट्स के नाम आप यहाँ पे जाके सोशल शेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के सोशल शेयर्स टोटल कितने हैं तो आई होप कि आप अपनी ऑफ पेज एस का जिसको मैंने बताया था कि यार बहुत ड्राई होती है बहुत बोरिंग होती है आई थिंक आपको अब बहुत ईजी भी लगना स्टार्ट हो गई होगी सो डोंट वरी ये इट इज़ दैट ईजी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्राई ज़रूर है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए ड्राई ना रहे सो so, मिलते हैं अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़